निवासी हैं श्रीमान विजय जोड़ी। विधायक रह चुके हैं वहाँ अपने क्षेत्र से। बात में सारे संसार भर में कोऑर्डिनेशन का काम भी आप करते रहे। 5 अगस्त 2020 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे पूजन करने या कार्य आरंभ करने, तो हमने भारतवर्ष के कार्यकर्ताओं को कहा था अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों से जल और अपने अपने क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों का, पवित्र स्थानों का रज मिट्टी अयोध्या लेकर आए। लगभग 1000 स्थानों से जल और रज आया था। भारत के 3 दिशाओं में समुद्र है। समुद्र के किनारे के सभी नगरों ने अपने तट का जल भेजा था। अंडमान निकोबार से भी आया था, गंगा सागर से भी आया था, और वो जल से उस स्थान को सिंचित किया गया था। तब आपके मन में विचार आया, विजय जौली जी के मन में, कि दुनिया के देशों से भी जल आ सकता है। इनके संबंध थे बहुत व्यापक, तो इन्होंने सरलता से कठिनता की ओर यात्रा शुरू की। जिनसे ज्यादा दोस्ती थी, जहां से टेलीफोन से जला सकता था, उनसे कहा पवित्र नदी का वहां का जल लाओ। और एक बार जब 80-90 स्थान देशों का जल आ गया, तो दिल्ली में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के घर इकट्ठे हुए, तमाम राजदूत आए थे अपने अपने देशों के। मुझे भी उस अवसर पर वहां रहने का प्रसंग आया था, मैं रहा। आज लगभग 155 देशों का जल आपने एकत्र कर लिया। ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कितने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, और अनेक देशों का जल धीरे धीरे एक पात्र में इकट्ठा करते रहे, और वो बिल्कुल शुद्ध है, वैसे सुरक्षित है। अन्यथा जल को अपनी प्रकृति के अनुसार चलता। तो ये 155 देशों का जल अप्रैल में 23 तारीख को आएंगे। अभी 2 दिन से आप अयोध्या में हैं, इसके पहले भी 2-3 दिन अयोध्या रहे थे तैयारियों के लिए। अनेक देशों के लोगों ने आने का सूचना दी है। सभी लोग जानकी महल में निवास करेंगे। मणिराम छावनी के सभागार में सामूहिक आयोजन हो जाएगा। उसमें संत महात्मा रहेंगे। और फिर बिरला धर्मशाला के सामने मैदान में कुछ देर के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, और जब सब आ जाएंगे तो नई जो सड़क बन रही है सुग्रीव किला रोड, इसके माध्यम से सब अंदर प्रवेश कर जाएंगे, दर्शन करेंगे और अपने अपने देशों का जल मंदिर निर्माण स्थल के चारों ओर भगवान को समर्पित कर देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, किसी पार्टी का सिंबल नहीं है। क्योंकि अनेक देशों के लोग आएंगे,
इसलिए उन देशों के सम्मान की रक्षा। और हमारा संकल्प राम जन्मभूमि के लिए था, उस संकल्प की रक्षा। ये दोनों आप करने वाले हैं। मैं तो सोच रहा था परिचय भर कराऊंगा, इतनी बात अपने आप चल पड़ी। वीर जाली जी, आप लोगों से बातचीत करने के लिए मेरे से ज्यादा गुणवान है, अभ्यस्त। आपका कोई मुकाबला नहीं। तो विजय जी, आप तो इस बारे में सब संबोधित करेंगे, ये सब तैयार करके पहले से लाए हैं। अरे नहीं, नहीं। तो आगे हैं? नहीं, वितरित हो जाए। और आप सबको जय श्री राम। स्वर्गीय अशोक सिंघल जी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर मैंने वर्ष 2020 अगस्त के अंदर इस बात का प्रण लिया था कि विश्व भर के नदियों और समुद्रों का जल हम भारत में एकत्रित करेंगे और उस जल से प्रभु श्री राम के राम मंदिर का जलाभिषेक संपन्न करेंगे। कोरोना पेंडेमिक में जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जा भी नहीं सकता था, अनेक विपदाओं को प्रभु श्री राम जी की अनुकंपा से पार करते हुए हमने विश्व के 155 देशों का जल भारत में एकत्रित किया है और इसके ऊपर एक वीडियो फिल्म भी 23 अप्रैल के कार्यक्रम में हम प्रदर्शित भी करेंगे। प्रत्येक देश के जल को तांबे के लोटों में पैक और सील हरिद्वार की हर की पौड़ी पर जाकर करवाया और प्रत्येक लोटे के ऊपर उस देश के नाम का और झंडे का स्टिकर भी लगवाया और बड़ी सादगी और सजीनता से भगवे रंग के रिबन से हर एक लोटे को सजाया, क्योंकि यह हमारी आस्था का विषय है। और एक बड़े लोटे के अंदर सभी देशों की जल को भी एकत्रित किया है, जो 2 साल के बाद भी जल बिल्कुल पावन पवित्र है, गंदला नहीं हुआ है। अक्सर कहते हैं कि जो जल गंगा या यमुना का होता है वो कभी भी गंदला नहीं होता, लेकिन ये तो विश्व के समुद्रों और नदियों का जल जो भारत में एकत्रित हुआ है, उस लोटे में जब आप स्वयं देखेंगे प्रभु श्री राम का प्रताप, जैसे जल के अंदर पत्थर भी तैर गए थे, उसी प्रकार से 2023 युग के अंदर भी वो जल आज भी पावन और पवित्र है। इस जल को अर्पण करने के लिए विश्व के 20 से भी अधिक देशों के हमारे मित्र, सहयोगी, बंधुगण स्वयं अयोध्या पधार रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इस एक कार्यक्रम से हम विश्व को आज के संदर्भ में ये भी विदित कराना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम केवल भारत के नहीं अपितु दुनिया भर के लोगों के मन में उनके प्रति आस्था है। और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में सभी धर्मों के लोगों ने हमारा सहयोग किया, इसलिए ये कार्यक्रम 23 तारीख को, जैसे माननीय चंपत राय जी ने आपको सर विदित करवाया, प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक संत मणिराम दास छावनी परिक्रमा मार्ग पर
ये प्रभु श्री राम का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें कोई राजनीति क्या या राजनीतिक दल का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हम सब अपनी आस्था के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए समर्पित हैं। अनेक गणमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में पधारेंगे। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, आप स्वयं भी इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम को सफल करें। अनेक देशों के राजदूतों ने, ऑनरी काउंसिल ने भी इस कार्यक्रम में हमें आने की स्वीकृति दी है। मैं आशा करता हूं प्रभु श्री राम के चरणों में और राम अयोध्या मंदिर के अंदर इस जल अर्पण या जल अभिषेक से हम अपनी आहुति भी अवश्य डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास जो स्वीकृति है अभी तक, सबसे सर्वप्रथम जिनका मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हम सबके श्रद्धे आदरणीय चंपत राय जी, श्री राम जन्मभूमि न्यास के महामंत्री के नाते इनका मार्गदर्शन हमें मिला है। इनके पश्चात विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिलेश चंद्रा जी, संघ प्रचारक माननीय रामलाल जी और इंद्रेश कुमार जी, महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरिजी महाराज, डॉक्टर लोकेश मुनि जी, महंत नयन दास जी, कमल नयन जी, और इन के संग अनेक साधु महात्मा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल सेवानिवृत्त जे सिंह, पंजाब केसरी की निदेशिका श्रीमती किरण चोपड़ा और अनेक मन से जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, ऐसे विधायक, सांसद और इस कार्यक्रम में आने की स्वीकृति स्वयं भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अगस्त 2020 में ये प्रकल्प हमने शुरू किया था और अप्रैल 2023 में जाकर इस प्रकल्प को पूरा करने के लिए हमें समय सीमा अवधि से गुजरना पड़ा। एक विशेष बात मैं अवश्य आपसे शेयर करना चाहता हूं। जल मुझे ट्रिनिडाड टोबैगो से भी मिला, सूरीनाम से भी मिला, मॉरिशस से भी मिला, फिजी आइलैंड से भी मिला, चाइना से भी मिला, यूक्रेन और रशिया जो आपस में द्वंद्व और युद्ध कर रहे हैं उन दोनों देशों से भी मिला। लेकिन मुझे आशा थी कि मुझे पाकिस्तान से जल बड़ी सहजता से मिलेगा, लेकिन जब हमने पाकिस्तान में अपने मित्रों से बात की, उन्होंने हिंदुओं के उत्पीड़न की बात उठाई और उन्होंने उस जल को भेजने में अपनी असमर्थता दर्शाई। लेकिन मैंने उनको कहा कि देयर इज नो वर्ड बाय द नेम ऑफ नो इन द डिक्शनरी ऑफ डॉक्टर विजय जॉर्ज। मैं पाकिस्तान के अपने उन हिंदू मित्रों और भाइयों को प्रणाम करता हूं। कोरोना वैश्विक पेंडेमिक के समय 2020 में आप सब विदित है कि किस प्रकार का वातावरण था। लोग एक दूसरे से, एक दूसरे देश तक जा नहीं सकते थे, लेकिन चेक इन हैंड लगेज से, कुरियर से, मित्र जो
अनेक देशों से भारत आ रहे थे, उनसे प्रार्थना करने के बाद, अनुनय विनय करने के बाद हमें सफलता जरूर हासिल हुई, लेकिन पेशेंस वॉज द बज वर्ड। हम पेशेंस से अपने इस आस्था के विषय को सफलतापूर्वक संपूर्ण, जो जला अभिषेक का जिसको कहते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर के प्रांगण के अंदर, जो निर्माणाधीन स्थल है वहां पर, जहां वर्तमान समय में भगवान विराजमान है, वहां पर यहां पर भगवान विराजमान है, वहां जाकर हम सब भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे। और उन प्रिमाइजेस के अंदर यहां पर इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, ये जल अर्पण भी किया जाए। उद्घाटन करेंगे जो राम मंदिर भी 500 साल के इंतजार के बाद, मालूम नहीं कब मिलेगी, मिलेगी जरूर, डेट नहीं बताएंगे। पहले एक आप मजाक लिया करते थे मेरा, हनुमान जयंती है, आज रात तक मैं आपको एक फोटो प्रेषित करूंगा, कोई भी भवन बनता है तो दीवार खड़ी होती है, फिर छत पड़ती है और छत के नीचे बीम पड़ता है, पत्थर बीम के लेवल तक आ गए और आज बीम डाल दिए गए। भूतल ग्राउंड फ्लोर के सभी बीम तैयार हैं, आज उसका शुभारंभ हो गया है। ये एक अच्छी नई जानकारी आपको, मैं इसका फोटो व्हाट्सएप पर आपको रात तक भेजूंगा। इतना ही आज का मंदिर संबंधी प्रगति ब्यूरो। सुग्रीव किलावारी रोड पर प्रयोग के तौर पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक निशुल्क लॉकर, कुछ पानी की व्यवस्था और छाया और कुछ वॉशरूम टेम्पोरेरी, ये प्रयोग के तौर पर खड़े किए गए हैं। जब सड़क बन जाएगी और इसकी आवश्यकता और अनुभव होगी तो इस प्रयोग को स्थायित्व और आवश्यकता अनुसार वृद्धि दोनों की जाएगी। बस हो गया।